हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल का नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज मैं बताऊंगा आपको, आप लाइटरूम की मदद से अपने फ़ोटो में ग्रीन टोन कैसे ला सकते हैं। तो उसके बाद अपने उस फोटो को सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको एडिट करना है, और एडिट करना है। तो हाँ गाइस, मैंने ये फ़ोटो एडिट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी लाइटिंग कंडीशन को ठीक करेंगे, उसके बाद इसमें टोन देंगे। तो सबसे पहले आपको इसको इस वाले बटन को प्रेस कीजिए, ऑटो को। इसको ऑटो करने के बाद आपको अपनी लाइट को थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वाले आइकन को प्रेस कीजिए और इसको थोड़ा हल्का सा इंक्रीज़ करना है और इसको थोड़ा हल्का सा बढ़ाना है। हाई लाइट को माइनस करना है, शेडो को थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज़ करना है और वाइट को अपने थोड़ा फेस के हिसाब से रखना है ताकि आपका बैकग्राउंड और फेस मैच हो जाए। और ब्लैक को आप थोड़ा माइनस कर दें। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको इसको तो हल्का सा थोड़ा के कम से रखना है और इसको थोड़ा माइनस करना है। ये सब करने के बाद आपको अपने मिक्स टूल पे चल जाना है। सबसे पहले आपको अपने फेस के ऊपर थोड़ा डार्कनेस है तो उसको डार्कनेस को दूर करने के लिए आपको इसको थोड़ा इंक्रीज़ करना है ल्यूमिनेंस को। कुछ इस प्रकार से आप भी ल्यूमिनेंस को इंक्रीज़ कर सकते हो और इसको थोड़ा सिचुएशन को थोड़ा माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपको थोड़ा इस पर थोड़ा रेड रेड थोड़ा आ रहा है तो उसको कम करने के लिए आपको इसको हल्का सा कम कर देना है इस प्रकार। और अपना इतना आपका फोटो हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अपने बैकग्राउंड में जो आपको वो टोन लानी है उस वाले कलर पर कलर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको हल्का सा इधर की ओर माइनस करना है यहाँ पर, बस इतना सा, और इसको प्लस कर देना है और हल्का सा इसको प्लस कर देना और इसको भी हल्का सा माइनस कर देना ताकि आपकी बैकग्राउंड का कलर मैच हो जाए। तो गाइस, इसके बाद इतना हो जाने के बाद आपको अपने कलर ग्रेडिंग वाले इसमें जाना है और इसमें थोड़ा शेडो को थोड़ा सा हल्का सा सिचुएशन को बढ़ाना है और इसको थोड़ा येलो टोन ग्रीन टोन पे ले जाना है हल्का सा, ज़्यादा नील चीज करना है। आपका फेस थोड़ा बिगड़ सकता है तो आप ध्यान से कीजिए। इसके बाद आपको मिड टोन पर जाना है, मिड टोन जाना है, इसकी सिचुएशन थोड़ा हल्का सा बढ़ाइए और इसको थोड़ा 92 पे रख दीजिए। और इसके बाद आपकी हाईलाइट को थोड़ा सा सिचुएशन बढ़ा के और हाईलाइट को अपने हिसाब से देख लेना। तो मुझे ये टोन अच्छी लगी तो मैं ये रख लेता हूँ और इसकी ल्यूमिनेंस को बढ़ा देता हूँ। तो फाइनली गाइस, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इस वाले टूल पे जाना है और इसका हल्का सा टेक्स्चर बढ़ाना है ताकि आपके फोटो में क्लियरिटी आ जाए और क्लियरिटी को माइनस कर देना है और हल्का सा को भी माइनस करना है, इसको हल्का सा इधर ओके कर देना और शार्पनेस को हल्का सा इंक्रीज करना है और इसको भी मास्किंग को थोड़ा 32 पे रख देना है, नॉइज को 18 पे और इसको आपको 30 पे रख देना है कलर नॉइज को। तो हाँ गाइस, कुछ इस प्रकार है हमारा फाइनल रिजल्ट। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेना है और हाँ गाइस, मैं इसकी पर्सीट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके भी उस पर्सीट को डाउनलोड करके अपने लाइट रूम में जाके उसको पेस्ट करके अपने फ़ोटो को मेरे फ़ोटो की तरह बना सकते हैं।